हाँ तो रहा गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने व्यूज़ वॉच टाइम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आप अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाते हो, वॉच टाइम कैसे बढ़ाते हो, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक लाओ। और उसी तरह से गाइस, आप अपने जेन्युइन तरीके से सब्सक्राइबर को ग्रोथ कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और नीचे एक प्यारा सा जो कमेंट कर ही दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे चैनल पे मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप अपना से जल्द इंक्रीज कर पाए। इसलिए गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा जेन्युइन ट्रिक है, ना ही किसी ऐप का यूज़ करना है, ना ही किसी वेबसाइट का। किसी भी तरह से आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से व्यूज नहीं लेना है, बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है। इसे हम खुद अपने चैनल पे यूज़ करते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम आ चुके अपने YT स्टूडियो पे। सिंपली आपको अपने कोई भी YouTube वीडियो का वीडियो को ले लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीडियो जो है ना, वो अभी मेरा प्राइवेट है। इसको मैं टिक वाला पेंसिल वाली ऑप्शन में क्लिक करूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। गाइज, आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो तो जा सको, क्योंकि अगर जो असली में यूट्यूबर, मतलब सच में यूट्यूबर बनना चाहेंगे ना, वही ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि जिन्हें जेन्युइन तरीके से अपने व्यूज को बढ़ाना है वो ये वीडियो जरूर से देखेंगे। यहाँ पे गाइस, आपको कहीं से भी अपना कीवर्ड जो है ना, वो फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग अपने कीवर्ड्स कहाँ से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन है गाइस जिसका नाम है ट्यूब टैग्स जनरेटर। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको गाइस A1 रैंकिंग का कीवर्ड आपको मिलता है, एकदम तगड़ा SEO वाला कीवर्ड आपको मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ले देखिएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या कीवर्ड लेना होगा, जैसे कि वो मेरा टॉपिक क्या है वो मैं इसमें लिख लेता हूँ। जैसे कि गाइस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा, बस सब्सक्राइब कैसे लिखूँगा। और यहाँ पे मेरे को टॉप लेवल का कीवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये टाइम लेता है फेच करने में, बाकी यहाँ पे गाइस आपको टॉप लेवल का SEO मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने सारा काम कर लिया है, मतलब कि जितने भी टैग्स जो कॉपी करने रहते हैं वो मैंने कर लिया। अब टैग्स कॉपी करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको अपने नोटबुक में पेस्ट करना चाहिए, ताकि वो जो लिंक रहता है ना वो हट जाए और जो नया पॉलिसी आया है वो भी जो है ना आप में नहीं लगे, क्योंकि यार हम जो है ना आपके चैनल को ध्यान में रखते हुए सभी काम करते हैं, ताकि ना ही आपके कोई चैनल को दिक्कत हो ना ही आपको। तो गाइस सिंपली जो है ना, यहाँ पे आपको अपने किसी बड़े क्रिएटर का नाम जो है ना वो जरूर से लगाना है। और यहाँ पे जो है ना गाइस, सब में कॉमा आप हटा दीजिएगा, नहीं तो चाहे आप कहीं पे भी पेस्ट करो आपको जो ये जो पॉलिसी है ना वो लग जाएगा। मिसलीडिंग टाइटल वाला जो डिस्क्रिप्शन वाला जो पॉलिसी है वो लग जाएगा, इसलिए सभी से आपको कॉमा हटा लेना है। सभी से मैं कॉमा हटा लेता हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, तो सिंपली सभी को कॉमा हटा के यहाँ पे आपको इस पर प्रेस करना होगा, सेलेक्ट ऑल पे कॉपी कर लेना होगा। फिर जाना होगा आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद गाइस आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जितना भी टाइटल आपने लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और सेम टू सेम यहाँ पे गाइस आपको बताता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे गाइस इसी टाइटल को उठा के आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट बाय पार्ट पेस्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कॉपी करना है। इसको जाना है, इसमें आपको जाना है, इसको पेस्ट करके टैग में कन्वर्ट कर देना है। इससे गाइस आपका यूट्यूब वीडियो रैंक होगा। बस इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक मेन रीज़न जो है ना, बहुत लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, तो यहाँ पे गाइस अगर आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे आपने आप कुछ भी लिखते होगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे आप कुछ भी फलना चलना लिख दोगे, यानी कि आप अपने वीडियो का लिंक देते होगे, कुछ भी लिखते होगे कि आज हमने ये वीडियो में ये बताया है, तो अगर यहाँ पे आप जो भी लिखो उससे मतलब नहीं है। पर ऊपर वाले एरिया में गाइस आपको अपना टैग्स लगाना चाहिए, नहीं तो आपका यूट्यूब वीडियो रैंक नहीं करेगा। और अगर आपका यूट्यूब वीडियो एक बार रैंक कर जाता है तो आपको जेन्युइन तरीके से व्यूज़ मिलता है, सब्सक्राइबर मिलता है। और ऐसा आपका यूट्यूब वीडियो जेन्युइन तरीके से रैंक नहीं करेगा गाइस, आपका यूट्यूब वीडियो पर जो है ना मिसलीडिंग टाइटल पॉलिसी का लग सकता है। और अगर आप ऐसे लिखते
हो सबसे टॉप में अपना जो है ना यूट्यूब का टैग्स देते हो, यूट्यूब के कीवर्ड्स देते हो, तो गाइज यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल को बूस्ट कर सकते हो, अपने यूट्यूब वीडियो को बूस्ट कर सकते हो और अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हो। और सिंपली जो है ना जितने भी टैग्स यहाँ से आपने लिए हैं एक एक करके जो है ना गाइज सभी को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और गाइज यहाँ पे ऊपर में गाइज यहाँ पे आपको अपने मन से टाइटल लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कुछ गाइज, तो यहाँ पे जो है ना मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए इन 2021, क्योंकि अगर जो साल रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता हूँ गाइज तो बहुत सारे मेरा वीडियो जो है ना वो ये भी बहुत ही ज़्यादा सर्च होता है। और गाइज अगर आप 2021 शुरुआत में लिखते हो या फिर इन हिंदी तो वो बहुत ही ज़्यादा सर्च करता है। तो सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, आपका यूट्यूब वीडियो सेव हो जाएगा और गाइज आपको रियल तरीके से व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे और आपके चैनल का जो है ना ग्रोथ होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो यार बाय।